नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फूडी दोस्त रेनू सिंगल, कुकिंग विद रेनू एंशची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ वेजी एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, जो बड़े हों या बच्चे सभी बहुत शौक से खाते हैं और सभी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने ये कुछ सब्जियाँ ली हैं जैसे गाजर है, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च, इनको महीन चॉप कर लेना है। यहाँ मैंने बेसन लिया है, बेसन में थोड़ा नमक ऐड किया, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। बहुत कम मसालों के साथ बनाना है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें इनो ऐड करना है एक पाउच। ये देखिए, मैंने सब्जियाँ, धनिया, इनो सब इसमें मिला लिया और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है। आप इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब एक पैन गरम किया है, पैन में हमें ये पेस्ट डालकर फैलाना है, मतलब जितनी भी तले की हमारी चौड़ाई है पूरे पे हम इसको फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाना है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, सुबह सुबह नाश्ते में ये दे दिया जाए तो पेट बिल्कुल भरा रहता है। अब इसको हम ढककर पकाएंगे लगभग दो मिनट। दो मिनट हो चुकी हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी इसके चारों तरफ किनारों पे डालना है और थोड़ा सा बीच में भी ड्रिजल करेंगे। अब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये बिल्कुल परफेक्टली सिक गया है, ऐसे ही हमें इसे दूसरी साइड से भी सेक लेना है। एक को बनाने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा सा घी या ऑयल ऊपर से भी ड्रिजल करेंगे। अब इनको एक बार अलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए, इसको हमने फिर पलट दिया है, बैक साइड से भी दिखा दिया है कितना अच्छा सिक गया है। तो दोस्तों, आप भी इसे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें कमेंट बॉक्स में आगे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बच्चों की पसंद या बड़ों की पसंद के हिसाब से चटनियां लगाकर सर्व कर सकते हैं। देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।